बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ना जी ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के वाले से जो जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, वो इंशाल्लाह सारे के सारे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ है, तो एवरीडे साइंस में सबसे पहले हमने पढ़ा एनवायरमेंटल साइंस को, फिर हमने आज जो कल से बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी का इंशाल्लाह चला 3 से 4 लेक्चर और होंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को मुकम्मल करने के बाद फिर जो है ना हम साथ ही इंग्लिश या मैथमेटिक्स या कोई और सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया और इसके साथ ही हमने जो है ना जीके का पोर्शन भी साथ ही एवरीडे साइंस के साथ साथ ही करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आज आपका लेक्चर वो भी अपलोड कर दूंगा साथ, ठीक है जी। तो ये लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की आपके पास जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन आपके पास 4-5 चीज़ें होती हैं, वही पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। वो एक तो आपका होता है जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन के आपका जो दिल है, जो इंसान का दिल है ना, दिल के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। उसके जो ये मीन के दिल का साइज़ क्या है, दिल का वेट क्या है, दिल की वर्किंग किस तरह से होती है, ब्लड कौन सा ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड कौन सा है, वेसल्स कौन सी है, जो ना वेन्स कौन सी है, आर्टरीज कौन सी है, ये सारी क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाएंगे। तो ये आज हम सारे के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब जैसे हम दिल से आगे चलते हैं तो एक और आपका ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं जी आपका मैदा, इसको हम स्टमिक कहते हैं। स्टमिक वो आपका होता है निज़ाम हजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मीन्स के आपके जो फेफड़े हैं, जो आपका सांस लेने का निज़ाम है ना इंसान का, उसके वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आपके पास आता है जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अमले तोलीद, मीन के नई नस्ल को पैदा करना, ठीक है जी, उसके वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मीन के आपका दिमाग जो है, दिमाग ब्रेन के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंशाल्लाह सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके पास है जी नेक्स्ट आपके पास बंदा जी यूरिनरी सिस्टम, आपके गुर्दे, गुर्दे जो होते हैं ना जी, गुर्दे जो होते हैं वो जो यूरिनरी सिस्टम यूरन के वाले से ये जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, वो सारे सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। और उसके बाद आपके पास आता है जी ये है जी आपके पास स्केल्टन सिस्टम, स्केल्टन कहते हैं ढांचे को, ढांचा बनता है हड्डियों से, ठीक है, इंसान की जो हड्डियों के वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यूं यही आपके पास 8-10 जो है ना ऑर्गन्स होते हैं जिनके वाले से क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आज हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने लेक्चर को बाई पार्ट्स देखना है, इसको आप एकदम से एक ही वक्त में इसको देख के इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे करें, इसको बाई पार्ट्स करें, 3 से 4 पार्ट्स में इसको करके देखें। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि आप यहाँ पर पॉज करके पहले क्लियर कर लें, फिर आप नेक्स्ट मूव करें, ठीक है जी। सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 में ये कुछ मैंने जो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं ना, आपको पता है हर लेक्चर में बेसिक पॉइंट्स में पहले ऐड कर देता हूँ। या आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो जो ना ह्यूमन बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है जी इंसान के जो वीएन डिस्टेंस है ना, जो इंसान के जो नॉर्मल वीएन डिस्टेंस है, मीन के कितनी दूर तक इंसान सही देख सकता है, तो 20 फीट होता है जी। 20 फीट तक अगर इंसान बिल्कुल ठीक देख सकता है, चीज़ों में परख सकता है, चीज़ों में फ़र्क कर सकता है, तो वो उसकी जो नज़र होती है वो होती है जी आपके पास, वो नॉर्मल होती है। अगर आप कहीं भी नज़र चेक करवाना चाहें तो उसने सामने आपके सामने कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं तो आपको वो आपको जो ना पॉइंटर के साथ कहता है बताएं ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, तो वो 20 फीट का फासला आपके दरमियान होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल हेयरिंग वेव्स, हेयरिंग जो है ना, हेयरिंग जो कुवते समात है, इसके वाले से क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, वो ये बनता है कि बताएं जो आप जो हेयरिंग वेव्स है ना, इसकी जो मेजरमेंट जो आपका यूनिट है उसके वाले से पूछता है। मेजरमेंट यूनिट से मुराद ये है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल चीनी लेने जाते हैं दुकान से, आप कहते हैं 2 किलो चीनी दे दें, या दूध लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 2 लीटर दूध दे दें, ठीक ऐसे ही कहते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो यूनिट होता है ना, वो उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो मापने के लिए हमारे पास जो जो हेयरिंग वेव्स है ना, जो कुवते समात को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं हर्ट्ज, 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 ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार के, जनाब बताएं जी जो वेव्स जाना वेव्स वेव्स की वेवलेंथ को मापने के लिए, या जो ना कुवते समात को मापने के लिए क्या होता है जी आपके पास है, लहरों को मापने के लिए हर्ट्ज यूज होता है, हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या है जी, हर्ट्ज है। फिर ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि बताएं इंसानी जो 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 कान है वो नॉर्मल को कौन सी हर्ट्ज की जो ना कौन सी रेंज की आवाज़ों को सुन सकता है, तो इंसानी आंख 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली जो आवाज़ों को सुन सकता है। अगर किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है फिर भी हम नहीं सुन सकते, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फिर भी हम इसको नहीं सुन सकते, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ बोन्स, बोन्स के वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जी जो जो आम जवान इंसान है ना जी, जो जवान इंसान है, जवान इंसान में हड्डियाँ होती हैं 206
और बच्चे में हड्डियाँ होती हैं 270, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना उसमें हड्डियाँ 270 होती हैं, जो जवान इंसान होता है वो 206 होती हैं। जैसे जैसे बंदा ऊपर बड़ा होता जाता है ना, तो कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो आपस में मिलकर दो तीन हड्डियाँ जो है ना मिलकर एक हड्डी बन जाती है, मीन के मर्ज हो जाती हैं कुछ हड्डियाँ, ठीक है। तो 270 से फिर 206 तक रह जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार। फिर पूछा जो जो इंसान जिस्म है उसमें पानी कितना, तो 50 से 60% पानी है, 50 से 60% पानी होता है, यह परसेंटेज पूछी जाती है। फिर क्वेश्चन पूछता है जी लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी जो इंसानी जिस्म में है वो जो कि फीमर बोन है, इसको हम थाई बोन कहते हैं। थाई की जो हड्डी है वो सबसे लॉन्गेस्ट भी है, सबसे जनाब वो लार्जेस्ट भी है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो आपकी होती है जी आपके पास है स्टेप्स, स्टेप्स बोन, यानी कि आपकी जो कान की हड्डी है ना, कान की हड्डी वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है जी। फिर लार्जेस्ट ऑर्गन के वाले से पूछ रहे थे, जो इंसान जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ना, जो जो इंसान जिस्म के अज़ा है, अज़ा में सबसे बड़ा अज़ा कौन सा है, वो आपकी जिल्द है, जिल्द, जिल्द इंसानी जिस्म की जिल्द सबसे बड़ा ऑर्गन है, और सबसे छोटा ऑर्गन जो है ना वो दिमाग के अंदर होता है आपके, दिमाग के अंदर पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है ना सबसे छोटा ऑर्गन होता है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इंसानी जिस्म के वाले से, जो पेपर में बार बार आते हैं वो मैंने आपके अलहदा लिख दिए थे। अब हम चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना जी, इसके वाले से जो क्वेश्चन बनता है वो है जी बेसिकली, जो क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वाले से है वो है जी आपके दिल के वाले से, दिल के वाले से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा कहीं से खाली जगह मिल जाए मुझे, ये खाली जगह है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दिल के वाले से, ठीक है जी। जब दिल के जो आपने क्वेश्चन याद करने हैं ना, वो है जी सबसे पहले ये देखें, इस तरह का आपके पास फॉर एग्जाम्पल दिल है, ये इंसान का दिल इस तरह है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपने ड्राइंग नहीं देखनी, ड्राइंग अच्छी है या गंदी है जो भी है, क्योंकि ड्राइंग के हमें कोई नंबर नहीं मिलने, हमने जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखनी, ठीक है। इंसानी दिल है ना, दिल के वाले से जब आप क्वेश्चन सबसे पहला जो बनता है, इंसानी दिल के हिस्से कितने हैं, खाने कितने हैं, इंसान जिसमें चार खाने होते हैं, चार खाने होते हैं इंसान जिसम के जी, चार खाने होते हैं, उसको हम कहते हैं चैम्बर ऑफ हर्ट्स। जो इंसानी जो दिल के चैम्बर कितने हैं, चार चैम्बर हैं, दो ऊपर होते हैं दो नीचे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का कहते हैं एट्रियम, इसको हम क्या कहते हैं जी, एट्रियम, 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 और नीचे वाले का हम कहते हैं वेंट्रिकल, नीचे हम क्या कहते हैं जी, वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास राइट एट्रियम, ये आपके पास जन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके पास अगर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जनाब एट्रियम बड़ा होता है कि वेंट्रिकल बड़ा होता है, तो वेंट्रिकल आपके पास सामने बड़ा है और एट्रियम आपके पास सामने छोटा है, ठीक है जी। अब फिर वो क्वेश्चन पूछेगा जनाब इंसानी जो दिल है वो क्या करता है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये इसमें जरा खून आता भी है और इसमें से खून बाहर भी निकलता है, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनाब खून इसमें एंटर भी होता है और इसमें से बाहर भी निकलता है। अब एंटर कहाँ से होता है, एट्रियम से एंटर होता है, एट्रियम से एंटर होता है और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, दोनों एट्रियम से खून एंटर होता है और वेंट्रिकल से खून बाहर निकलता है। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा तो बाहर निकलेगा, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए जनाब इसको एक वाल्व लगे होते हैं, ये वाल्व लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं, ठीक है जी। ये जो वाल्व्स है ना, ये वाल्व्स आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मींस के इसमें से खून जो है ना एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ सकता है लेकिन ये वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। जैसे आपने किसी टायर में हवा भरवाए हो या किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरवा रहे होते हैं, तो जब हवा भरी जा रही होती है तो हवा उसी वाल जो लगा होता है ना, जो जिसकी जो जिसको हम पंजाबी में टूटी भी कहते हैं, ठीक है। जब उस टूटी से हम हवा भर रहे होते हैं ना, तो हवा बाहर से अंदर तो जा सकती है लेकिन बाहर अंदर से बाहर हवा नहीं वो वाल आने देता, ठीक है जी। यही सेम चीज़ होती है, ये आपका वाल लगा था एट्रियम से वेंट्रिकल में खून आ जाता है लेकिन वापस नहीं जाता। इसी तरीके से जो आप यहाँ से एट्रियम में जो खून दाखिल हो रहा है यहाँ से वापस नहीं जाएगा, बल्कि ये एट्रियम से वेंट्रिकल से आके बाहर निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखना है खून, खून आपका दो तरह का होता है, खून आपका दो, एक होता है आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड खून, आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड खून, एक होता है ऑक्सीजनेटेड खून। डी ऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डी का मतलब होता है नफी होता है ना, डी, डी का मतलब होता है नॉट, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड खून ऐसा जिसमें खून में ऑक्सीजन नहीं होती, और ऑक्सीजनेटेड खून वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है जी। अब ये जो डी ऑक्सीजनेटेड खून है ना, ये आपका आएगा राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से आएगा डी ऑक्सीजनेटेड खून, और जो ऑक्सीजनेटेड खून है वो आपका आएगा जो ना लेफ्ट एट्रियम से, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम से। अब क्या जी, अब लेफ्ट एट्रियम से आया ऑक्सीजनेटेड खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो जनाब ये आएगा ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जनाब ये सारी बॉडी के अंदर जो खून फैल जाएगा, सारी बॉडी के अंदर खून
फैल जाएगा। जब ये सारी बॉडी के अंदर खून फैल जाएगा ना जी, तो ये फिर क्या आएगा, बॉडी खून के अंदर से अपनी ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी, क्योंकि आपको पता है इंसान जिसम को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो सारे के सारा ऑक्सीजन जो है ना इंसान जिसम जनाब यूज़ कर लेगा। तो फिर ये जनाब जब जब इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी खून में से, ये हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड खून, जिसको हम गंदा खून भी कहते हैं, ठीक है। अब ये गंदा खून जनाब, डी ऑक्सीजनेटेड खून जनाब का जो ना, ये राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से दिल में दोबारा दाखिल होगा। अब ये राइट एट्रियम जो है इसको राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। अब ये राइट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा फेफड़ों में, ये कहाँ पे जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा ये खून, अब फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से जाके जनाब जब आप सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन इस ब्लड को मिल जाएगी, तो ये ब्लड दोबारा साफ हो जाएगा। जब ये दोबारा साफ होगा, जब ये ब्लड दोबारा साफ होएगा, तो फिर ये जनाब फेफड़ों से दोबारा जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में इसको लेफ्ट वेंट्रिकल पर देगा, वेंट्रिकल फिर दोबारा इसको पूरे के पूरे जिस्म में फैला देगा। तो ये आपका टोटल वर्किंग होती है कि आपके दिल में खून आ रहा है, दो तरह का खून है, गंदा खून और एक साफ खून है। साफ खून हुआ है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसको ऑक्सीजनेटेड खून कहते हैं, और गंदा खून हुआ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड खून है। डीऑक्सीजनेटेड खून जो है वो राइट साइड से दाखिल होता है और फिर जाता सीधा जाता है ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ये जनाब साफ होकर दोबारा दिल में आता है, और फिर ये दिल इसको अपने सारे के सारे जिस्म में फैला देता है। तो ये टोटल आपका जो दिल के वाले से जो इसकी सारी वर्किंग है और इसका जो सारा खून है। अब हम इसको पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये आपको सारा सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में बनते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट मेक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो आपका खून होता है ब्लड, और ब्लड वेसल्स क्या, ब्लड वेसल्स मीन के खून की जो नालियाँ हैं ये, और आपका जो हार्ट है, जो आपका जो खून है, जो आपका दिल है, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आज हार्ट क्या है, हार्ट हमारा आपके पास एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। जो दिल है ना, दिल एक पंपिंग ऑर्गन है, दिल में किसी किस्म का खून पैदा नहीं होता, खून पैदा जिगर में होता है, जिगर से खून पैदा होकर दिल में आता है। दिल सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है, ये सिर्फ पंप करता है, पंप करता है खून, कहाँ कहाँ पे पंप करता है, ये सारे जिस्म में भी पंप करता है और किस में करता है जी, ये फेफड़ों में पंप करता है, ठीक है, दोनों जगह पे ये पंप करे, ये सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड खून ब्लड इन द लंग्स, ठीक है जी। जो डीऑक्सीजनेटेड खून है, जो गंदा खून है, वो वहाँ कहाँ पे भेजेगा, ये फेफड़ों में भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, ताकि ये साफ हो जाए। एंड ऑक्सीजनेटेड खून जो आपका साफ खून है, वो भेजेगा आपकी सारे बॉडी में, होल बॉडी में भेजेगा, ठीक है जी, होल बॉडी में भेजेगा, ठीक है। और ये जो इसकी पंपिंग है ना, जो पंपिंग है, जो खून की जो पंपिंग है, जो आपकी सॉरी हार्ट की पंपिंग है, पंपिंग पंपिंग फंक्शन इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट हम कहते हैं पंपिंग इसका फंक्शन, जो दिल धड़क रहा है ना, उसको हम कहते हैं जी हार्ट बीट्स कहते हैं। और ये 70 पर मिनट होता है, ये 70 टाइम, तकरीबन 70 से 80 के दरमियान, इसको ऐसे बोलते हैं 70 टू 80 के दरमियान, ठीक है जी। ये तकरीबन 70 से 80 के दरमियान ये खून जो है ना, ये जो दिल आपका धड़कता है, जिसकी धड़कन होती है, बच्चों की धड़कन ये तेज होती है थोड़ी, ठीक है जी। उसके बाद द एवरेज अडल्ट ह्यूमन हार्ट वेट अबाउट 250 to 350, 250 से 350 ग्राम के दरमियान आपके दिल का वेट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है जी। उसके बाद ये 8 से 12 ounce में पूछ लेता है, और ये जो आप पूछ रहे ग्राम में पूछ लेता है, ठीक है जी। साइज ऑफ हर्ट इज अप्रॉक्सीमेटली द फिस्ट ऑफ अ क्लोज फिस्ट, ठीक है जी। ये आपके पास इंसान की जो बंद मुट्ठी होती है ना, उसके अंदर उसके जितना आपका दिल होता है, ठीक है जी। जो जो क्लोज फिस्ट होती है उसके उसके बराबर आपका तकरीबन ये दिल होता है, ठीक है जी। इट फाउंड लेफ्टर बैक ऑफ चेस्ट, ठीक है जी। जो आपकी जो छाती है उसकी बाई तरफ की पिछली साइड पर यह पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी, ब्लड प्रेशर इज टिपिकली एक्सप्रेस एज टू नंबर, सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर। अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर अडल्ट इज अराउंड 120 to 80। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपने नहीं देखना, जस्ट आपने देखना 120/80, ठीक है जी। उसको वहाँ कहते हैं ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट, आप सिर्फ ये 120/80 ये सिर्फ आपने याद करना, ठीक है जी। तो ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जी 120/80, ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में पूछा गया है, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद हार्ट हैज फोर चैम्बर, ये आपके पास चार चैम्बर हैं दिल के, ये मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये भी आपको मैंने पहले करवा दिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी,
वेंट्रिकल आर लार्जर देन एट्रियम, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपके वेंट्रिकल हैं ये बड़े हैं, एट्रियम आपके पास है, छोटे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स इन द हार्ट फ्रॉम राइट साइड एट्रियम, ठीक है जी, राइट साइड से आपका डीऑक्सीजनेटेड खून आएगा और लेफ्ट साइड से आपके पास क्या आएगा जी, ये आपके पास है, ये आपके पास ऑक्सीजनेटेड खून आएगा। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से चीज़ें बता दी हैं, ठीक है जी। उसको ब्लड वॉल्यूम क्या जी, 7 से 8% जो टोटल वेट होता है, ठीक है जी, ये आपके जो टोटल आपका वेट है इंसानी जिस्म का वो 7 से 8% क्या जी उसमें क्या होता है जी, वो आपका खून होता है, खून होता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। ब्लड कंपोनेंट्स में क्या कुछ होते हैं जी, इसमें जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पोर्शन, ब्लड, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आती, जैसे मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है जी। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये नहीं आते आपके, ठीक है जी। ये आप, ये प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं जो कहते हैं जी, बताएं जी, जो आपके पास प्लेटलेट्स हैं इंसानी जिसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होते हैं, ये आपके पास होते हैं जो आपकी बीमारियों के खिलाफ कुवते मुदाफ़त होती है, ये प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है जी। ये मियाँ मोहम्मद आशीफ साहब के जब से प्लेटलेट्स कम हुए ना तब से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया प्लेटलेट्स वाला, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया था पेपर में, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड रेड इन रेड ब्लड सेल्स डैट बाइंड ऑक्सीजन एंड कैरी थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है जी। ये जो आपके पास खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको पकड़ के उनको रखती है, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ के रखती है, ठीक है जी। द एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट मैन इज अराउंड 13.8 to 17.2, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के जो अक्षर है 13.8 से 17.2 के दरमियान होती है, ठीक है जी। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके पास जो ना ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ना ये यूनिवर्सल डोनर है, मीन के ये किसी को भी अपना खून डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ये ओ नेगेटिव किसी को भी लगा दें ये उसके साथ मैच कर जाता है। और ये जो आपके पास ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव ऐसा खून ब्लड ग्रुप है जिसको कोई भी ब्लड लगा दें ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। बाकी जो है ना ए ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही लगेगा, बी को बी ही लगेगा, ठीक है। ये आपस में सिर्फ अपना ही खून जो इनको लग सकता है, ए नेगेटिव को ए नेगेटिव ही लग सकेगा, लेकिन जो आपके पास ओ है ना, ओ नेगेटिव ऐसा खून है जो किसी को भी लगाएं, ए को लगाएं, बी को लगाएं, ए बी को लगाएं या ओ को लगाएं, ये सबको लग जाता है। और ये ए बी जो है ना, ए बी ऐसा खून है जिसको जो सा मर्जी लगाएं ये उनको एक्सेप्ट कर जाता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव जो है ये आपके पास यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके जो ना ब्लड के वाले से, ठीक है जी। उसके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं खून की नालियाँ, खून की नालियाँ 2-3 तरह की हैं जी। ब्लड वेसल फॉर 3 टाइप्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। वेन्स आर्टरीज कौन सी हैं जी, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ब्लड, जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज, आर्टरी से खून आता है बॉडी में, आता है बॉडी में खून आता है कहाँ से, आर्टरीज के जरिए आता है, मीन के जो खून से दिल से दूर लेके जाती हैं, बॉडी की तरफ लेके जाती हैं आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है जी। अब उसके बाद मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड खून टू द लंग्स, आपको पता है जो दिल है ना, दिल में से खून 2 तरह का बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है कौन सा, एक ऑक्सीजनेटेड खून जो आप पूरी की पूरी बॉडी में जाना है और एक डीऑक्सीजनेटेड खून जो आपके फेफड़ों में जाना है। तो सारी की सारी आर्टरीज आपके आपकी सारी बॉडी में खून लेके जा रही हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी वो खून कहाँ से लेके जाएगा, खून दिल से आप फेफड़ों की तरफ लेके जाएगा जो गंदा खून होगा, बाकी सारी आर्टरीज साफ खून लेके जाती हैं, ठीक है। फिर आपको पता है वेन्स, वेन्स वेन्स क्या जी, वेन जो 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 आपके पास डीऑक्सीजनेटेड खून लेके जाती हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड खून कहाँ पे जाना है जी, डीऑक्सीजनेटेड खून आपके पास जो फेफड़ों की तरफ जाना है और दिल की तरफ भी जाना है, सारी बॉडी से गंदा खून किधर जाएगा, दिल की तरफ जाएगा, वेन्स वेन्स वेन्स, ठीक है जी, समझ आ गया जी। ये गंदा खून लेके जाती हैं। और कैपिलरीज क्या जी, कैपिलरीज होती है आर्टरीज जो है ना जी, जो तकसीम दर तकसीम हो गया ना, पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, ब्रीक ब्रीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके जिस्म में कुछ कुछ अंतड़ियाँ बड़ी मोटी मोटी होती हैं, कुछ बड़ी ब्रीक ब्रीक सी होती हैं, ठीक है जी। तो मोटी मोटी आर्टरीज आप तकसीम होकर छोटी छोटी कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज में ही गैसों का तबादला आता है, मीन के जिस्म के अंदर से जो ना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और ऑक्सीजन जिस्म को दे देती हैं, ये आर्टरीज से ही जनाब ये गैसों का तबादला होता है। तो ये आपके पास हो गए जी आर्टरीज के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए। बाकी ये मैंने एक टेबल लिखा हुआ है नीचे आपके ब्लड के वाले से और आपके दिल के वाले से, सारी बातें ऊपर मैंने यही आप सारी डिस्कस की हैं, ठीक है। वही मैंने आपके यहाँ पे लिख भी दी हैं, अगर आप इसको टेबल्स को भी बाद में इसको स्टैटिकली याद करना चाहते हो तो आप याद कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट नॉर्मल साइज ह्यूमन फिस्ट है, उसका जो वेट लिखा हुआ है 30 ग्राम है, पंप जनाब एक सेकंड में 6.2 लीटर करता है, ठीक है। कॉर्निकल इसकी शेप है, सेकंड और छठी रिब यानी कि दूसरी और छठी जो ना आपकी पसली के नीचे ये पाया जाता है, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 5 से 6 लीटर जनाब एक बंदे में खून होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सारे थे जी आपके पास
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वाले से, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पॉज करें, थोड़ा सा वक्फा करें, आप इसको पहले क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आइएगा, ठीक है। मैं आपको अभी दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम लेके जा रहा हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करें, वीडियो को रोकें, पहले आप इसको क्लियर कर लें, फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएगा, ठीक है जी। अब हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसान का जनाब निज़ाम-ए-इन्हज़ाम जो है ना, आपका खुराक को हजम करने का जो निज़ाम है, ठीक है जी, वो आपके पास है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास है, थोड़ा सा मैं इसको भी किसी खाली जगह पे ले जाऊँ, ठीक है, ये आपके पास खाली जगह आ गई, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, यहाँ से जनाब इसने चलना है आपके जनाब, ये मुंह से चलेगा, ये आपके मुंह से चलेगा, मुंह से जनाब आगे ये एक नाली के, इसको कहते हैं एसोफेगस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी खुराक की नाली है ना, इसको हम कहते हैं एसोफेगस, 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 ठीक है जी, एसोफेगस। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार, पेपर में पूछता है, जो आपके पास जो आपकी खुराक की नाली है ना, डाइट की जो नाली है, वो आपकी एसोफेगस है। एसोफेगस जनाब ये जाएगा आपके मैदे में, जे शेप, आपका जो मैदा है ना, जे 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 ऐसे जे ऐसा ना ऐसे जे, ठीक है, इस तरह का इसकी शेप है जी आपके मैदे की, ठीक है, मैदे में आएगी, ठीक है। अब मैदे से खुराक है जनाब आगे आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में चले जाएगी, छोटी आंत में जो सारी खुराक वो हजम होगी और आपके सारे जिसम में चले जाएगी, और जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत में सारे का सारा फुजला होगा और जनाब जो इनस से ये बाहर खारिज हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी, ये आपके जो ना ये निज़ाम निज़ाम के वाले से मैंने सारे इसको पॉइंट में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपका ये जो ना डाइजेस्टिव सिस्टम इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, क्या लिखा हुआ है जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इंटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपकी बड़ी से खुराक जो आपने लुक में खाए हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे ऑर्गन्स में आपके जिस्म की बॉडी के मुताबिक फैट्स वगैरह जो एंजाइम्स वगैरह या प्रोटीन में चेंज करना क्या आता है जी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, सबसे पहले मुंह में खुराक आएगी, फिर एसोफेगस में आएगी, फिर स्टमक में आएगी, फिर छोटी आंत में आएगी, फिर बड़ी आंत में जाएगी, ठीक है। और जो सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं इसके, आपके पास लीवर है, जो आपका जो जिगर है, ठीक है जी, पैंक्रियाज है, और गाल ब्लैडर है, ठीक है जी, समझ आएगी जी। ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं, ये पैंक्रियाज ये होता है जो आपकी जो शुगर जो छोड़ता है, ठीक है। जब आप पैंक्रियाज खराब हो जाता है तो आपका शुगर अब बंदे को जो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है जी। डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। जो एलिमेंट्री केनाल है ना, ये केनाल ये ना, देखिए ये मुंह से ऐसे खुराक आई है और जनाब आगे आपके मैदे में आएगी, मैदे से आगे जनाब सीधे ये फिर आगे बड़ी आंत में आकर यहाँ से आप इनस के जरिए जो फुजला बाहर खारिज हो जाता है, ठीक है। ये केनाल ये नहर की तरह होती है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल, इसी के अंदर सारा कुछ निज़ाम आपका चलता है। इन द माउथ टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीस, ठीक है जी। जो आपके दांत हैं और जो आपकी खुराक को छोटे छोटे पीस में करेंगे, एंड टंग मिक्स सलाइवा, जो आपका थूक होता है ना, जो लाब होता है, जो थूक होता है, ठीक है, उसको हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है जी। विद फूड सो डैट बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, जो खुराक जो फूड को जनाब सॉफ्ट कर देगा, नरम कर देगा और उसको गीला कर देगा। टंग पुशिज फूड इन साइड, जो आपकी जुबान है जो खुराक को अंदर की तरफ धकेल देगी, ठीक है जी। द च्यूड फूड इज पुश्ड टू फूड ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस, जो फूड ट्यूब है ना जी उसको हम एसोफेगस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन है बार बार पूछता है एसोफेगस के वाले से, ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी। एसोफेगस यूज इज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट टू ब्रिंग फूड इन टू द स्टमक, अब ये पैरास्टाल्टिक मोशन क्वेश्चन पूछता है बार बार पूछता है। पैरास्टाल्टिक मोशन क्या होती है? अब देखें, ये आपके पास खुराक की नाली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऊपर से ये आपकी खुराक आ रही है, ठीक है, तो इसको नीचे कर लो, ये ऊपर से आपकी खुराक आ रही है, ऊपर से इतना बड़ा लुकमा आ रहा है, तो अब ये लुकमा जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, तो ये आपकी जो एसोफेगस है यहाँ से ऐसे फैलती जाएगी ऊपर से फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलती जाएगी। मीन्स के अपनी ये जगह नहीं छोड़ती, जहाँ पर लुकमा बड़ा होता है ना वहीं पर थोड़ी सी ये फैल के तो इसको पीछे से फिर यह सुखड़ना शुरू हो जाएगी, इसको आगे धकेलती जाएगी। ये होती है पैरास्टाल्टिक मोशन, ठीक है जी। पैरास्टाल्टिक मोशन ऐसी है जी, जो खुराक की नाली है अपनी जगह पे कायम रहती है, बस खुराक को आगे जना पीछे से ये सुखड़ती जाती है और इसको आगे की तरफ धकेलती जाती है, ठीक है, समझ आएगी जी आपके पास होती है जी। पैरास्टाल्टिक मोशन में पूछता है जो आपको जो खुराक है उस जो निज़ाम इन्हज़ाम में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी मोशन यूज़ होती है, वो पैरास्टाल्टिक मोशन यूज़ होती है। ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लेना, ठीक है जी। रिवर्स ऑफ पैरास्टाल्टिक, इस पैरास्टाल्टिक वोमिटिंग,
ये जो आपके पैरास्टाइलिस है ना, जो खुराक का अंदर जाना, इसका उल्ट होता है वॉमिटिंग, जो आपकी उल्टी आ जाती है वॉमिटिंग जब कहते हैं, तो वही ये तो कॉमन सी बात है। खुराक का अंदर जाना आपके पैरास्टाइलिस है, और खुराक का बाहर आना वो क्या है, वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है जी। स्टमिक इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जी। आपके पास स्टमिक है ये जे शेप्ड है और ये मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर क्या क्या मतलब, मसल जो जो फैल और सुकर सकते हैं, हड्डियाँ वगैरह फैलती सुकड़ती नहीं है, वो फिक्स हैं। लेकिन जो मसल्स होते हैं ना अपने अपने बाजू के मसल्स भी देख लें, वो कभी फैल जाते हैं कभी सुकड़ जाते हैं, ठीक है, मोटे भी लंबे भी हो जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास मस्कुलर आर्गन है, ठीक है जी। ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास जो स्टमिक है वो मस्कुलर बैग है। इट मिक्स डाइजेस्टिव जूस इन द फूड, ये जो आपके पास जो आपका जो मैदा है इसके अंदर डाइजेस्टिव फूड जूस होता है, जो जनाब जो जो खुराक को हजम करने के लिए जूस होता है, ठीक है जी, वो आपके पास होता है जी। ये इसको करता है जी, ठीक है, उसको मिक्स करता है। वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस हेल्पिंग ऑर्गन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर लीवर पैंक्रियाज इंटेस्टाइनल वॉल्स लीवर, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी, ये सारे के सारे हैं। जब ये आपके जो खुराक है जे शेप आपके जो ना स्टमिक से बाहर निकल के आएगी ना छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बताएं जो खुराक की जो फाइनल डाइजेशन है, फाइनल जो हजम होती है, वो कहाँ पे होती है, वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जनाब सारे लीवर वगैरह सारे के सारे अपने अपने जो है ना फंक्शन वो यहाँ पे अदा करते हैं। लीवर क्या करेगा, वो सारी यहाँ चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। लीवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट एंड मेक्स फास्ट इजियर टू ऑब्जर्व, ठीक है, जो जो आपका जिगर है वो क्या कहते हैं जी, बाइल साल्ट जो है ना, जो जो आपके पास नमक है, जो आपका जो 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 तेजाब वगैरह है, वो लीवर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी, और वहाँ पे सारी सारी खुराक हजम हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये है जी आपके पास, ये है जी डाइजेस्टेड फूड पासिस इन टू द ब्लड थ्रू वाल्व विली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत है, इसमें जो खुराक आपकी हजम हो गई है, अब इस खुराक हजम होने के बाद इसने बॉडी का जुज्व बदन बनना है, आपके जिस्म का हिस्सा बनना है इस खुराक ने, तो वो किस कौन सी नाली की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं विली, विली, ठीक है जी। ये विली होती है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी देखा होगा जब भी आप किसी जो जो आपके पास है किसी भी जानवर की जो आप उसका मैदा निकाले, उसको हम ओजरी बोलते हैं, ओजरी बोलते हैं। ओजरी के अंदर से आपको जैसे ये टावल की तरह उंगलियां उंगलियां अंदर बनी होती हैं, ठीक है, वो आपको नजर आ रही होंगी, जैसे टावल होता है ना, इस तरह से वो फिंगर टाइप से अंदर से वो ऊपर से उबार से बने होते हैं, वो आपकी विली होती हैं। इन विलीज के जरिए जनाब खुराक है अपने जिस्म का हिस्सा बन जाती है। द अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ फूड पास थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपकी खुराक है ना जो हजम नहीं होती, जो फुजला बनना होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। ये जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी बड़ी आंत है, जो जिस्म से जो आपका एक्स्ट्रा पानी है ना, पानी को वो ऑब्जॉर्ब करेगी। जब वो पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी तो फिर वो क्या करेगी, फुजले को नरम करके आपके जिस्म से बाहर निकलाएगा, ठीक है जी। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीस, ठीक है जी, इसको वेस्ट कहते हैं। फीस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम एंड पास आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका फुजला है, जो फीसिस है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम में, ठीक है जी। ये समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर एक स्टोर होता है, जो फुजला जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब इस स्टोर से फिर जो 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 सुराख होता है ना, जो होल होता है, जो 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 बॉटम होल होता है इंसान का, जहाँ से खुराक निकलती है, उसको हम कहते हैं एनस, एनस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है जी। जो जो खुराक है वो जनाब वो किस सुराख से बाहर निकलती है, वो एनस होता है, एनस, ठीक है जी। ये आपके पास हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुझे उम्मीद है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की समझ आ गई होगी, यही से क्वेश्चन यही आपके दो चार बनते हैं, इनको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास है जी, आपके पास है जी सांस लेने का निज़ाम। सांस लेने का निज़ाम जो है ये आपके किस तरह से काम आता है, ठीक है, इसको आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ना जी, ये आपके पास है ना, इसको थोड़ा सा मैं ये भी आपको थोड़ा सा जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ये भी आपका जनाब आना नोज से, ठीक है जी, आपके पास नोज है, ठीक है जी। नोज से अपनी आपकी जो हवा अंदर आनी है, ठीक है, हवा अंदर नोज से आके फिर नोस्ट्रिल से, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फिर ये सांस की नाली जो है ना, ये ट्रैकिया, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये सांस की नाली और खुराक की नाली, दोनों नालियों में से एक नाली पूछ लेता है बार बार।
खुराक की नाली एसोफेगस है और सांस की नाली है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया सी शेप इस तरह होती है, इस तरह से बनी होती है, ठीक है जी। जिस तरह से आपने जो आमतौर पे जो आपने पाइप लगाया होता है ना, या आपने बेसन वगैरह पे जो आपकी जो किचन में जो जो जहाँ पे सिंक के नीचे पाइप होता है, इस तरह का पाइप होता है, वो सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है, ठीक है जी। ये इसको हम कहते हैं सी शेप से होते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया के जरिए आती है जी, ठीक है जी। अब ये जो नाली है ना जी, ये जो आपके पास नाली है, ठीक है जी, ये जो सांस की नाली है, इसने जाना सीधा फेफड़ों में, इस नाली ने सीधा जाना है जी फेफड़ों में जाना है। इस नाली ने सीधा कहाँ पे जाना है? फेफड़ों में जाना है। इस नाली ने सीधा फेफड़ों में जाना है। अब फेफड़े तो आपके दो हैं, फेफड़े तो हमारे दो हैं, इसका मतलब क्या है जी, ये जो नाली है ना, यहाँ पे टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, यहाँ पे आकर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो ये दोनों हिस्से जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई 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 ब्रोंकाई, ठीक है जी, ये इनको ब्रोंकस भी कहते हैं। ब्रोंकस एक आपकी ब्रोंकाई है, दोनों मिलकर ब्रोंकस बन जाते हैं, ठीक है जी। ये जो ट्रैकिया है ना, वो पूछता है जी ट्रैकिया स्प्लिट होके किस में तब्दील होती है? ये ब्रोंकस में तब्दील होती है। एक ब्रोंकस एक आपके लंग्स में चला जाएगा, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे फेफड़े में चला जाएगा। अब इस फेफड़े में जाके क्या करेगा, जो आप बाहर जो आप सांस ले रहे हैं ना, सांस लेके क्या आप हवा से ऑक्सीजन लेके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे जो 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 ब्लड की आपके दिल की तरफ से खून यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आया होगा ना, वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड खून यहाँ से आपकी सांस में से जो हवा है उसमें से आपकी ऑक्सीजन ले लेगा, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती है, वो इस जनाब ये जो आपके पास ब्रोंकस है उनको दे देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये खून लेकर खून ऑक्सीजन ले जाएगा और इसको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आप सांस जब बाहर निकालेंगे ना, तो वो बाहर निकल जाएगी, आप फिर नया फिर कर लेंगे। इसको इनहेल और एक्सहेल कहते हैं। इनहेल कहते हैं सांस को अंदर लेके जाना, इन का मतलब अंदर और एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्सहेल होता है सांस का बाहर निकालना, सांस का बाहर निकालना। तो ये आपके पास है, ठीक है जी। और ये जो आपका ब्रोंकस है ना, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस ऐसे आपकी जो ट्रैकिया तकसीम होकर दो नाली में, आप ये नालियां भी आगे जाके मजीद छोटी छोटी नाली में तब्दील हो जाएगी, उसको हम कहते हैं एल्विलाई एल्विलाई एल्विलाई, ठीक है जी, एल्विलाई। ये तीन चार क्वेश्चन आपके बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वाले से, ठीक है जी। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है जी, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस डैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है जी। जो ब्रीथिंग है आपके पास, जो सांस लेने का निज़ाम है, वो क्या जी, आपकी हवा को अंदर और बाहर निकालना। वाइल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये आपने चीज़ याद करनी है, जो आपके पास सांस का अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है, अंदर और बाहर आना जाना, ये आपके पास ब्रीथिंग है। और अंदर जाकर जो इसमें से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको देना और जिसम के एनर्जी पैदा करना, वो आपकी रेस्पिरेशन है। वो क्या है आपके पास, क्या जी, रेस्पिरेशन है, ठीक है जी। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अपने फ़र्क आपने वादा कर लेना है। ब्रीथिंग आपका बाहर से हवा को अंदर लेके आना और अंदर से हवा को बाहर निकालना, ये आपकी ब्रीथिंग है। और अंदर जो प्रोसेस होता है ना हवा के साथ, ठीक है, वो आपके पास क्या, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स आपके यूज होते हैं ना जी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो ब्रीथिंग में, वो सारे के सारे मिलकर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। वो कौन कौन से यूज होते हैं, वो है जी आपके पास है जी नोज, सबसे पहले आपकी नाक है जैसे खून आपका आता है जी, हवा आती है, फिर आपके पास थ्रॉट है आपका गला है, फिर आपकी ट्रैकिया उसको विंड पाइप कहते हैं, मीन के जो आप सांस की नाली है, फिर ब्रोंकाई है जो आपकी सांस की नाली ने जाके ब्रोंकाई दोनों में चेंज होना है, अपने स्प्लिट होना है, फिर आपके पास लंग्स हैं, फिर आपके फेफड़े हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास मोशन एंड क्लीन एयर, ठीक है जी, आपके पास नमी वगैरह है वो सारे के सारे जो है ना इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें हैं जो आपकी ब्रीथिंग वगैरह या रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद द एयर एंटर्स थ्रू द नोज और माउथ, या तो हवा जो है मुंह के जरिए दाखिल होगी या आपके नोज के जरिए दाखिल होगी, ठीक है जी। देर आर हेयर्स एंड मॉस्क इन द नोज टू वार्म अप, ठीक है जी। जो आपके नोज है इसके अंदर आपके आपके पास जो है ना, एक तो हेयर्स हैं जो आपके पास बाल हैं नोज के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद उसको नमी होती है, नमी 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 होती है ना, जब पानी की तरह आप अपने नोज के अंदर फिंगर लगा के देखो तो आपकी फिंगर थोड़ी सी गीली हो जाती है, आपको चिपकने वाली चीज़ नज़र आती है, ठीक है जी, ठीक है, समझ आएगी। वो क्या करती है, वो आपके पास होती हैं, वो आपको वो इसको हवा को गर्म कर देती हैं, ठीक है जी, और इसको साफ भी करती हैं, ठीक है जी। मोइस इज अ स्टिकी लिक्विड, ठीक है जी। जो आपके पास मोइस नहीं म्यूकस सॉरी सॉरी मोइस कह रहा हूँ म्यूकस म्यूकस ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में बार बार, जो आपके पास म्यूकस है ना, म्यूकस म्यूकस पूछता है वो, जो आपके पास स्टिकी मटेरियल होता है ना नोज के अंदर, उसको हम कहते हैं म्यूकस, उसको हम क्या कहते हैं जी, म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस हवा को गर्म करता है
और जो आपके पास हेयर जो होते हैं ना नाक के अंदर, वो हवा को साफ कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया जी। जो आपकी ज़ुबान के साथ जो आपकी खुराक को जो नमी देते हैं वो आपका क्या होता है, वो सलाइवा होता है, और जो आपकी हवा को नमी देता है वो आपका म्यूकोस होता है। ये आपने साथ साथ चीज़ें क्लियर करते जाना, ठीक है जी। अब द एयर एंटर इन द थ्रॉट एंड प्रोसेस थ्रू लैरेंक्स। लैरेंक्स, लैरेंक्स क्या जी, लैरेंक्स आपके पास है। जैसे ही आप जैसे ही आपकी जो 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 आपकी हवा है नाक से गले में दाखिल होगी, तो इसके आगे एक ढक्कन सा लगा था, उसको हम कहते हैं लैरेंक्स। लैरेंक्स, लैरेंक्स से वह आगे फिर आगे जी फेरेंक्स में, ठीक है जी। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरेंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। ये जो आपकी आवाज़ पैदा होती है ना, वो भी लैरेंक्स में पैदा होती है। उसमें वोकल कॉर्ड्स दो पत्तों की तरह लगे होते हैं, ठीक, जो आपस में जो जो वाइब्रेट करते हैं, और आपकी आवाज़ पैदा होती है। तो आवाज़ पैदा कहाँ से होती है, आपकी हवा से, यानी कि रेस्पिरेशन, आपकी सांस, या आपकी जो भी हवा है ना उसके से आपके जो है ना, जो आपके पास जो जो आपके लैरेंक्स है ना, लैरेंक्स, लैरेंक्स में आवाज़ पैदा होती है। आप अब जब बोल रहे हो ना, आप बोलते हुए अपने गले के ऊपर हाथ रख के देखें तो आपका गला ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है जी। वहाँ पे आपको एक उभरी हुई हड्डी सी नज़र आएगी, ठीक है, ऐसे ढक्कन सा बोतल का जैसे होता है। तो वो क्या होता है जी, वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो वो वहीं पे आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो वहीं से आपकी आवाज़ पैदा होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, आवर थ्रॉट हैज़ टू पाइप्स फॉर फूड एंड अदर फॉर एयर। आपका जो गला है ना, हमारे गले के अंदर से ही खुराक जानी होती है, हमारे गले के अंदर से ही आपकी हवा जानी होती है आपके जिस्म के अंदर, ठीक है जी। दो पाइप्स हैं, एक आपके पास ट्रैकिया होगा, दूसरा आपके पास क्या आइसोफेगस होगा, ठीक है जी। इट इज़ जो ना एपीग्लॉट्स विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बोथ पाइप्स। ये एपीग्लॉट्स जो ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एपीग्लॉटिस भी बोलते हैं, एपीग्लॉट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो एपीग्लॉट्स है ना, ये आपके पास ढक्कन होता है, ये एक ढक्कन है। जब आपके पास एक वक्त में एक ही नाली खुल सकती है, ये देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है ना जी, ये देखें, ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह देख लूँ, ठीक है, यहाँ पे ये है जी, ठीक है। ये आपके पास गला है ना आपका, ये आपके पास गला है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका गला है, ठीक है। गले के अंदर आपके पास दो नालियाँ, ये आपके पास हवा की नाली, साथ आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है ये खुराक की नाली है। यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ये ढक्कन होता है, ठीक है। जब ढक्कन, जब आपकी खुराक अंदर जारी होगी तो आपकी सांस की नाली बंद होगी, ठीक है। जब आपने सांस अंदर करना, तो ये ढक्कन हट के इधर इधर चला जाएगा, खुराक की नाली के ऊपर जो सांस की नाली खुल जाएगी, ठीक है। तो एक ही वक्त में एक नाली खुल सकती है, दूसरी नाली बंद होती है, ठीक है। और बंद कौन कहता है, एपीग्लॉट्स, ये क्वेश्चन पूछता है। जो आपके ऊपर ढक्कन होता है उसको हम कहते हैं एपीग्लॉट्स। आप फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे बैठे जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो आप अपने अपने जिस्म अपने गले के अंदर कोई चीज़ अंदर 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 लेके जाएं, पानी लेके जाएं, या आप अपना सलाइवा ही अंदर लेके जाएं, ठीक है। जैसे अंदर लेकर जानेंगे ना, तो अपने गले के ऊपर हाथ रखे तो आपको गले के ऊपर एक चूच को छोटा सा ढक्कन ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, आप अपनी उंगली को आपको नजर आए, आपको फील होगा। तो वो आपका एपीग्लॉट्स होता है। वो क्या होता है, पहले आपकी सांस की नाली बंद होती है, आपकी हर वक्त जो ना खुराक की नाली खुली होती है, ठीक है जी, सांस की नाली खुली होती है हर वक्त, और आपके पास खुराक की नाली बंद होती है। जैसे आप कुछ चीज़ अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो अब वो क्या कहता है, वो ढक्कन जनाब आपकी सांस की नाली के ऊपर आ जाता है और खुराक की नाली खोल देता है, वो आपको आप हाथ रखें तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं एपीग्लॉट्स। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके ने जो आपने जो बात याद करनी है, एक तो लैरिंक्स याद करना है, एक ट्रैकिया याद करनी है, और एक आपने एपीग्लॉट्स याद करना है, और म्यूकस याद करना है, ठीक है। ये दो चार सिर्फ पॉइंट्स हैं, यही आपने याद कर लेनी है। फिर आपने करना है जी, आपके पास जो है ना, ये ब्रोंकस आपने याद करना है, जो टूट के अंदर जाती है, ठीक है जी। तो यही आपके पास बार, और एक इनहेल सांस के अंदर लेके जाना, और एक्सहेल सांस का बाहर लेके जाना। तो यही आपके पास क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पास हैं जी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के वाले से। ये कुछ क्वेश्चन रेस्पिरेटरी के वाले से हैं जी। आपके पास जो 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 फ्राग है, जो रेनाटा ग्रीना मीन के, जो आपके पास जो जो, जो बेंडक है, ये लंग्स के जरिए जनाब सांस लेता है। जो मछलियाँ हैं वो गिल्स के जरिए सांस लेती हैं, ठीक है जी। और जो जो काकरोच है वो आप जो वो ट्रैकिया के जरिए करती है, ठीक है जी। और वॉर्म वगैरह जो है ना, वो स्किन के जरिए अपने अपनी जो ना सांस ले लेती हैं, ठीक है। और एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, और एनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के वाले क्वेश्चन पूछ लेता है वो। हाइबरनेशन होती है जब जो जनाब जब सर्दियों में मेंढक वगैरह ज़मीन के अंदर जाके अपने आप को छुपा लेते हैं ना जी, ठीक है जी, वो हाइबरनेशन होती है। और एस्टिवेशन होती है जी, एस्टिवेशन होती है जो गर्मियों में कुछ जो जो जानवर हैं जो हैं वो अपने आप को ज़मीन के अंदर छुपा लेते हैं, वो एस्टिवेशन होती है, ठीक है जी। लंग्स कैपेसिटी होती है जी 5 to 6 liter, 5 से 6 liter की कैपेसिटी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। और उसके बाद जो आपके पास है ना, जो कार्डिक रेस्पिरेटरी फिटनेस है ना, उसके लिए टेस्ट होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट।
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वो पूछता है जनाब जो आपके लंग्स हैं, जो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो आपके पास होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है आपका, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ब्रेक करें लेक्चर को, आप यहाँ पे पॉज करें और आप डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से पहले क्लियर कर लें, फिर आप नेक्स्ट चलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। चलते हैं जी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनाब दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, होता है क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, होता है जी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, अपनी नस्ल अपनी तरह से नए अपने बच्चों को पैदा करना, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका दो तरह का होता है, आपने देखा होगा कुछ रिप्रोडक्टिव जैसे फर्ज मान लो आपके पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन उसमें क्या सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं, उनकी आपस में जो है ना इंटरकोर्स वो नहीं करते, किसी किसी को सेक्सुअल ऑर्गन उनके आपस में मीट नहीं करते, वो होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जो जानवर करते हैं, जानवर और इंसान सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं, इनके मेल और फीमेल का बकायदा जो ना फिजिकली मिलाप होता है आपस में, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें जो वो बीज वगैरह लगाए तो नया पौधा पैदा हो जाता है, ठीक है जी। वो आपके पास होता है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है जी, या जी सेक्सुअल रेफर टू एनिमल्स एंड ए सेक्सुअल रेफर टू प्लांट्स, ठीक है जी, जो प्लांट्स वो ए सेक्सुअल करते हैं और एनिमल जो है ना वो सेक्सुअल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी आपके रिप्रोडक्शन कैरिड आउट बाय द गैमेट्स, ये जो गैमेट्स ये क्वेश्चन पूछता है जी, जो आपके पास गैमेट्स है ना, गैमेट्स किसको कहते हैं, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जो जो, जो होते हैं ना जी, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं जी गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स, ठीक है जी, समझ आ गया जी। जो मेल गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम एग कहते हैं, एग, ठीक है जी, समझ आ गई। मेल की तरफ से स्पर्म मिलता है और फीमेल की तरफ से एग मिलता है, दोनों मिलते हैं तो क्या होता है एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग क्या होता है एग फर्टिलाइज हो जाता है। जब स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज करता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आप वो उसकी क्या हो जाती है फर्टिलाइजेशन, मीन के जो ना रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। जब जब भी कोई भी स्पर्म है ना, स्पर्म जैसे फॉर एग्जांपल जो भी जब भी आप देखते हैं, ठीक है, किसी भी जो है ना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जो मेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट किसी फीमेल के अंदर अपने स्पर्म को छोड़ता है, अपने स्पर्म को छोड़ देता है उसके अंदर, वो जो ना जब भी वो अपने स्पर्म को अंदर जाके ना उसके छोड़ देता है, उसके अंदर उसके एग्ज होते हैं, ठीक है जी। जो स्पर्म है ना, स्पर्म ने जाके एग को मिलना होता है, जब एग को मिल जाता है तो उसको वो फर्टिलाइज कर देता है, जब वो फर्टिलाइज करता है तो वहाँ से फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम मीन के नया बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब ये जो इसके बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे हैं, पौधों के अंदर सेक्सुअल तो नहीं होता, वो क्या होता है, पौधों के अंदर पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन, ठीक है जी, पौधों के अंदर क्या होती है जी, पोलिनेशन होती है, पौधों के अंदर भी मेल और फीमेल का कंसेप्ट मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया, ठीक है, तो पौधों के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन पौधे चूंकि एक दूसरे से हरकत नहीं कर सकते, तो यूँ क्या होता है, जो पौधे का जो स्पर्म है ना, जो पौधे का जो मेल का स्पर्म है, वो हवा वगैरह के जरिए उड़कर फीमेल के पास, उसके आगे के पास चला जाता है, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होती है एक ही पौधे के ऊपर से जनाब उसके ही स्पर्म अपने ही पौधे के दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है जी। जो पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसका फूल होता है, फूल होता है, ठीक है। ये जो आपके पास फूल है ना, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा दूँ, ठीक है, ये आपके पास है जी, ये इस तरह से आपके पास फूल होता है ना, ये आपके पास फूल होता है, ठीक है। ये फूल के नीचे आपको इस तरह से ये नीचे डोटी सी नजर आएगी, ठीक है, ये आप इसका फीमेल पार्ट होता है और फूल के ऊपर ऐसे ना ऐसे आपको धागे से नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे आपको धागे से नजर आएंगे, ठीक है, ये इसका मेल पार्ट होता है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं एंथर, इसको हम क्या कहते हैं एंथर। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं एंथर, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहते हैं ओवरी, उसको हम क्या कहते हैं जी, ओवरी कहते हैं, ओवरी। तो ये आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉलेज क्वेश्चन दो चार बनते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है जी, ब्रेन के वाले से क्वेश्चन आपके जो बनते हैं ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आमतौर पर यही है जी जो आपके पास है जी। द ह्यूमन ब्रेन यूज ए परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, टोटल आपके जो आपकी ऑक्सीजन होती है जिसम की, उसमें 20% ऑक्सीजन आपका जो ना वो ब्रेन यूज करता है, ठीक है जी। ब्रेन यूज एज फ्यूल एंड एनर्जी, ग्लूकोज को यूज करता है, ठीक है, जो आपका जिसम जो आपका दिमाग है वो ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर यूज करता है। उसका अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 20% टोटल बॉडी वेट, 2%
2% जो आपका होता है ना, जो आपके टोटल बॉडी का जो वेट होता है वो 2% आपका उसमें आपका ब्रेन होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो ना ये स्केलेटल मसल्स की खोपड़ी के अंदर होता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। और जो ब्रेन है उसके अंदर 73% पानी है, 73% ब्रेन के अंदर पानी है, पानी, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेन है जी, ब्रेन का एजुकेशन आपने करने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन होता है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपके सारे जो मोटर नर्व्स वगैरह जो सारी होती है वो आपकी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। ये मोटर नर्व, ये सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लेनी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ह्यूमन ब्रेन। ये ब्रेन के बारे से 10 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है जी। ह्यूमन ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट सर्व्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग कोऑर्डिनेटेड वेट्स ऑफ बॉडी फंक्शन। सारे के सारे जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं जी, ब्रेन ने ही करने होते हैं। तो आमतौर पर ब्रेन जो है ना, ब्रेन के वाले से यही क्वेश्चन बनते हैं, ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है जो 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 आपके पास है ब्रेन का, जो पहला हिस्सा कौन सा है, फोर ब्रेन है, दरमियान वाला, मिड ब्रेन और एंड वाला, हाइड ब्रेन है, ये आप देख लीजिएगा। और ये टेबल आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है ना, ये आपका जो ब्रेन है ये आपका क्लियर होगा। यहीं तक क्वेश्चन वो पूछता है आपके आपके जो ना नर्वस सिस्टम के वाले से। फिर आपके पास यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है जी आपके पास जो ना, ये आपके पास है खून को साफ करना और आपका जो जो यूरन बनाना, ठीक है जी। मेन फंक्शन ऑफ किडनी, आप जो जो आपके पास यूरन है ना, यूरिनरी सिस्टम है, ये आपके गुर्दों का काम है, गुर्दों में सारा कुछ होना है। गुर्दे क्या करते हैं जी, मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या है जी, फिल्टर द ब्लड ऑफ द बॉडी। जो आपके पास गुर्दे हैं ना, गुर्दे आपके पास क्या करेंगे, ये आपके जो है ना, ये ब्लड को साफ कर देंगे, आपके ब्लड को फिल्टर करेंगे, ठीक है जी। एवरेज साइज ऑफ किडनी जो 10 से 13 सेंटीमीटर होता है जी, एक गुर्दे का साइज है, ठीक है जी। यूरन किस्म कहाँ पर स्टोर होता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरन ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, अलाउ द यूरन टू पास आउटसाइड द बॉडी, ये यूरेथ्रा क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ किडनी होती है, नेफ्रोलॉजी होती है, ठीक है जी। एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिक वेस्ट लीव्स किडनी वाया यूरेटर, ठीक है जी। ये आपके पास यूरेटर के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रा करके दिखा दूँ, ये मैंने किया हुआ, ठीक है जी। ये आपके पास दो गुर्दे हैं, ठीक है जी। गुर्दों के जरिए जनाब यहाँ पे ये आपका यूरिन बन रहा है, यूरिन बन के यहाँ पे ये ब्लैडर में आके जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आपका ये यूरिन जिसम से बाहर निकल जाता है, ये आपका यूरेथ्रा। और ये जो है ना, ये नाली, इसको हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर तीन नालियाँ आपकी हो गई हैं आज, एक आपकी एसोफेगस है, ये तीनों नालियों के वाले से आपने याद करना है। एक एसोफेगस है, एक आपके पास जो ना, जो आपने ट्रैकिया पढ़ी है, ट्रैकिया सांस की नाली है। फिर आपके पास है यूरेटर है जी आपके पास, ये पेशाब की नाली है। ये तीन नालियाँ आपने याद करनी है, तीनों में से एक आपसे वो पूछ लेगा, एक आपसे पूछेगा एसोफेगस, या फिर ट्रैकिया, फिर आपसे पूछेगा वह यूरेटर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके पास है टोटल, आपके पास है तीन नालियाँ आपने याद करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है जी। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले किडनी है, किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन, ये आपके पास लोबिया के बीज की तरह होते हैं, ठीक है जी। ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन जस्ट बिलो द रिब केज, ठीक है जी। फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंस प्रोड्यूस यूरिन इन द प्रोसेस, ठीक है जी। ये जनाब खून को साफ करते हैं और क्या करते हैं जी, इसमें जो क्या करते हैं जी, इसमें आपका पेशाब को पैदा करते हैं, ठीक है। दो काम करते हैं जी। यूरेटर क्या जी, यूरेटर आर सिलेंडर ट्यूब्स डैट कनेक्ट ईच किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। आपके किडनी से ब्लैडर की तरह जो पेशाब यहाँ से यहाँ पे आना, ये आपके यूरेटर कहलाता है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है जी, आपकी जो टैंकी है जहाँ पे आपका पेशाब जमा होता है वो आपका ब्लैडर कहलाता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा है जहाँ से वो नाली है जिसके जरिए आपका पेशाब जिस्म से बाहर निकलता है, पेशाब बाहर निकलता है, जो मेल्स का आउटसाइड होता है, मेल का जो 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 यूरेथ्रा होता है वो जिस्म के आउटसाइड होता है और फीमेल का यूरेथ्रा अंदर होता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी या जी फिल्ट्रेशन करता है, रीऑब्जर्वेशन सीक्रेशन वगैरह, ये इनको करने की जरूरत नहीं, जैसे जस्ट मैंने आपकी इंटरेस्ट के लिए लिखे थे, अगर आप पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना भी पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आता। क्वेश्चन आपके बिल्कुल बार बार यही आते हैं जी, आपके पास यूरिनरी ब्लैडर के वाले से पूछेगा, यूरेटर के वाले से पूछेगा, किडनी के वाले से पूछेगा और यूरेथ्रा के वाले से पूछेगा, ठीक है जी, समझ आ गई। और कन्वेक्स लेंस की तरह इस तरह से होता है, इस तरह से ये होता है, ठीक है जी। ये आपका जो ना किडनी है, ठीक है, ये आपके पास किडनी के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आखिरी रह जाता है जी, आपके पास है स्केल्टन सिस्टम आपके पास आखिरी रह जाता है, वो आप पढ़ते हैं जी। स्केल्टन सिस्टम क्या है जी, स्केल्टन सिस्टम आपकी हड्डियों के वाले से है। तो हड्डियां आपके पास ये है जी 206 है आपके पास नॉर्मल बोन्स है, ठीक है जी। न्यू बोर्न बेबी में 297 से आपके पास जना 270 से 300 तक होती है, ठीक है जी। अगर 270 का ऑप्शन हो फिर भी ठीक है, अगर 300 का ऑप्शन हो फिर भी
ठीक है, बल्कि ज़्यादातर ऑप्शन आपको 300 का ही देता है वो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ रिब्स जो आपकी पसलियाँ हैं वो पूछ रहा था जी, आपके पास 24 पसलियाँ होती हैं इंसान में, 12 जोड़े होते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ बोन जो मिडल ईयर 6 होती हैं, ठीक है जी। कान के दरमियानी हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी है इंसान की वो 6 होती हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ बोन्स इन फेस, इंसान के जो आपका जो फेस है उसके 14 हड्डियाँ होती हैं। नंबर ऑफ़ बोन्स इन स्कल, खोपड़ी में आपकी 22 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट बोन आपकी स्टेप्स है, ये पहले भी बात हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट टीथ है जी, टीथ के बारे से क्वेश्चन पूछा गया था जी। एज ऑफ विजडम टीथ 17 से 25 ईयर तक आपकी अकल की दाढ़ उगती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे जो जो हार्डेस्ट जो आपके पास है ना वो आपके पास टीथ है, आपका दांत सबसे मजबूत चीज़ होती है, हड्डियों से मजबूत क्या होता है, दांत होता है आपका, ठीक है जी। फाइनेस्ट फिलामेंट प्रोड्यूस बाई ह्यूमन स्किन इज हेयर, ठीक है जी। विच मिनरल इज सफिशियंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम, ठीक है। ये आपके पास टीथ के वाले से और दांतों के वाले से हो गया जी, ठीक है जी। कैनन जो टीगर एंड लाइन के दांतों के कैनन कहते हैं, इनकी सर ये इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर भी लें तो ठीक है, ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये स्केलेटल सिस्टम के मैंने आपको लिख दिया जी, या बना दिया आपकी पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी। तो ये आपके पास है ना ह्यूमन बॉडी के बारे में क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर होगा होगा। इस लेक्चर को आप 2-4-10 दफ़ा बार बार देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।